मित्रों, आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था एनालॉजी, उसका लिंक हम इस वीडियो में देंगे। इसके बाद एक टॉपिक और सारे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब अगर हिंदी में समझते हैं तो वर्गीकरण, ग्रुप कैसे बनते हैं। इट मीन्स टू ग्रुप वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दैट दे पॉजेस एंड स्पॉट द ऑड वन आउट। इसका मतलब हुआ कि इसमें हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, तो अभी हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन में हमको वर्ड के सेट दिए जाते हैं, जिसको हम अगर हमारे पास फोर ऑप्शन हैं तो उसमें थ्री ऑप्शन में मिलते जुलते वर्ड होंगे जिसकी मीनिंग सेम होगी, एक उसमें से कोई अलग होगा उसी को हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल, पियर, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, ये सारे फ्रूट्स में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट क्या है। तो इसमें जो ऑरेंज होगा ये साइट्रस फ्रूट में आता है, और ये पियर, एप्पल, गुआवा ये साइट्रस फ्रूट में नहीं आते हैं, इसलिए ऑरेंज इसमें डिफरेंट होगा। एक एग्जाम्पल और यहां पर हम बता रहे हैं, चूज द ऑड वन आउट। ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक स्टोरेज एंड पेटाबाइट। तो ये भी हम लोग स्टोरेज पर्पज में यूज करते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज भी डेटा स्टोर करने में यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी स्टोरेज पर्पज में यूज होता है, यानी ये तीनों मिलते जुलते हैं। पेटाबाइट जो होगा ये यूनिट है, पेटाबाइट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे ही पेटाबाइट भी एक यूनिट है मेजरमेंट का, यानी कि इससे हम लोग डाटा मेजर करते हैं पेटाबाइट में। बाइट सबसे छोटी यूनिट होती है, तो पेटाबाइट अलग दिख रहा है यहाँ पे। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में अल्फाबेट्स के बारे में बात, वर्ड क्लासिफिकेशन में हम लोग केवल वर्ड्स के बारे में बात किए। अब अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में अल्फाबेट का क्या ऑर्डर है, कैसे इसको अरेंज किया गया है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब यहां पे बी डी है, तो देखने में क्या लग रहा है कि बी सी डी, यानी इसमें एक लेटर बीच में आएगा सी, यहाँ पे आई के, आई जे के, यहाँ पे जे आना चाहिए, मीन्स प्लस वन करके हम दूसरा लेटर लिख रहे हैं। और एनालॉजी के वीडियो में हमने बताया था कि जैसे अब एन पी लिखा हुआ है तो एन के बाद पी आना चाहिए, तो बीच में प्लस वन हो जाता, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पी एन लिखा हुआ है तो इसलिए ये डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले अल्फाबेट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए या लेटर एनालॉजी में ये बहुत यूजफुल है कि ए बी सी डी को हम लोग पहले फॉरवर्ड ऑर्डर में फिर बैकवर्ड ऑर्डर में लिख लेते हैं। हो सकता है कई बार डिफरेंस के बेस से पूछ लेता है या एक पोजिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग पूछता है, और पोजिशनल वैल्यू उसकी हो सकता है कि फॉरवर्ड बेस पर पूछी जाए या बैकवर्ड बेस पर पूछी जाए। एक एग्जांपल और देखते हैं, ए ओ यू वाई, इसमें से अलग कौन सा है, तो सबको पता है बहुत सिंपल एग्जांपल ये है, ए ओ यू वाई में वॉवेल्स हैं, ये ए ओ यू वाई डिफरेंट है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा वो होगा वाई। तो ऐसे ही हम लोग इसमें बहुत सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये पार्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में हमने वर्ड का ग्रुप बनाया, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में हमने अल्फाबेट्स के बारे में देखा कि कैसे इसके ग्रुप बनते हैं,
और अब आता है नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानना होता है कि नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके लिए हम इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का भी लिंक दे रहे हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कि उसके लिए आपको जानना होगा प्राइम नंबर्स क्या हैं, ट्विन प्राइम क्या हैं, को प्राइम्स क्या हैं। बिना उसके जाने आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। चूज द नंबर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप। अब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए, कौन सा नंबर ग्रुप से अलग है। तो बहुत सिंपल वे में दिया गया है भाई, 10, 25, 42 ये नंबर देखने में पता चलते हैं कि ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर हैं, और ये 17 ये प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम और बाकी सारे कंपोजिट नंबर हैं, तो इसका मतलब यहां पर ये डिफरेंट है। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, 34:43 ये फर्स्ट पार्ट है, 55:62 सेकेंड पार्ट, 62:71 एंड 83:92। इसमें से हमको ऑड वन बताना है कि कौन सा ऑड है, मतलब 3 एक जैसे होंगे एक अलग होगा। तो 34:43 को देख लेते हैं भाई एक बार, तो लगता है कि इसका डिजिट इंटरचेंज किया गया है। एक बार में यहाँ पे कुछ डिजिट इंटरचेंज हुआ नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये काम करते हैं, 34 में क्या ऐड करें कि 43 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा। तो 34 में हमने 9 ऐड किया, यानी इसमें प्लस 9 करने पर 43 आ जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस 9 करने पे 71 आ जा रहा है, और यहाँ पे प्लस 9 करने पे 92 आ जा रहा है, लेकिन इनमें प्लस 7 करने पे आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो 55:62 होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं बहुत जल्दी में। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, टी सिंकोना रबर चाक। तो देखने में पता चल रहा है कि भाई रबर भी प्लांट से मिलता है, टी भी प्लांट से मिलता है, सिंकोना भी प्लांट से मिलता है, इसका मतलब चाक ही इसमें अलग है। ऐसे और एग्जांपल हम देखते हैं, बाजरा राइस व्हीट, बाजरा राइस व्हीट ये सब सीरियल्स में आते हैं, और मस्टर्ड एक ऑयल सीड प्लांट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मस्टर्ड इसमें डिफरेंट होगा। ऐसे ही और हम देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल, सन टेंपल। तो अब इसमें से ऑड जो है वो है राष्ट्रपति भवन, क्योंकि बाकी तीनों को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के थ्रू, तो इसलिए राष्ट्रपति भवन ही इसमें अलग है। अब इसमें देखते हैं टन, क्विंटल, ग्राम, किलोमीटर। तो टन 1000 किलोग्राम को हम टन कहते हैं, तो इसका मतलब टन मास की यूनिट होगी, बिगर यूनिट है, ग्राम भी मास की स्मॉलर यूनिट है, क्विंटल भी मास की यूनिट है, किलोमीटर लेंथ की यूनिट है। तो इस बेसिस पे हम लोग आठ जो भी होगा उसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक अलग होगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।